नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लेके आ रहे हैं विकास किनाड़ा, जाने माने पशुपालक, बहुत अच्छा पशुधन रखते हैं। आज इनके पास लगभग 5-6 भैंसे हैं, ये देखेंगे। बहुत सुंदर सुंदर झोटियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर भैंसे हैं। काफी बार पहले भी मेरे ख्याल से 3-4 बार हम इनकी वीडियो बना चुके हैं। टाइम निकाल के वीडियो देखना भाई। आजकल डॉक्टरी भी कर रहे हैं अपने एरिए में, सीमन AI का बहुत बढ़िया काम है। पूछेंगे भाई से, डिटेल से जानकारी लेंगे। सुंदर सुंदर कटड़ियां भी तैयार की हैं भाई ने, और बहुत अच्छी अच्छी भैंसे भी हैं दूध वाली, और झोटी देखिए एक बच्चा देने वाली है, वो भी बहुत शानदार है। तो विकास भाई से बात करेंगे, किनाड़ा गांव से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। किनाड़ा गांव बरवाड़ा तहसील जिला हिसार, बुन्ना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे किनाड़ा गाँव है। विकास भाई नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। विकास भाई, अब तो मेरे ख्याल से पहले से तो बहुत अच्छी क्वालिटी की पशु, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कोई अड़की थी वो निकाल दी, सारी अच्छी अच्छी रखी है। हाँ जी भाई साहब, सारी निकाल दी, और ज्यादातर मैं इस भैंस के बच्चे मतलब इसी की ब्रीड आके बढ़ाना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये पिछले में जब ये बड़ी वाली कट्टी पेट में थी ना। हाँ हाँ। नहीं, ये नीचे थी तब 21 किलो 587 ग्राम, 3 महीने की ने HLDB में अपने रिकॉर्ड भी करवा। 3 महीने की ब्याई ने 21 किलो 587 ग्राम हरियाणा गवर्नमेंट HLDB की रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करवाया था दूध। तो ये कौन सी बार की है, अभी अभी फिलहाल कौन सी बार की ब्याई हुई है? अभी है 5वें ब्यारी है भाई साहब, वो कटी है नीचे 14/70/10 की। 14/70/10 की कटड़ी है, 5वें ब्यांत की है। 23 सितंबर को उसका जन्म है, 23 सितंबर का भी शायद 10वें महीने में लग रही है। अच्छा अच्छा, 10वें महीने में, ठीक है। अभी अभी कितने महीने की ब्याई हो चुकी है ये? ये 10 महीने की होगी वो कट्टी है। और गैपिन कितने महीने की है? गैपिन नहीं है भाई साहब, ये रिपीट कर गई कई बार। हाँ हाँ। एक बार ठहर भी गई थी, बार में तो इसने मतलब पानी पाट गया था, बच्चा डाल दिया था। अच्छा अच्छा। तो अभी दवाई दुई रख कर छोड़ रखी है ये, अभी बारिश के बाद में एक है। ठीक है, तो ये अभी कितना दूध दे रही है भाई? अभी ये 10 किलो दूध दे रही है। 10 महीने की ब्याई, आज भी 10 किलो दूध दे रही है, देखिए क्वालिटी। साथ में मतलब कि ठंड में इन्फेक्शन भी हो गया था, अब तो मुक्का ठीक है। तो इंजेक्शन लगाने के बाद में सूख गई एक बार तो बिल्कुल, अब दोबारा से मतलब कि 10-11 के बीच में है। ठीक है, 10-11 किलो दूध के बीच में दूध है, देखिए बहुत ही बढ़िया भैंस रिपीट होगी। बस यही एक आज की डेट में हम कमी निकाल सकते हैं। बाकी जो है अभी दोपहर के लगभग 1 बजे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए थनों थनों की क्वालिटी, अडर की क्वालिटी भी भैंस की काफ़ी बढ़िया है। और 5वीं बार की भाई साहब ने कहा, अगर किसी और भाई के पास होती तो शायद 1-2 ब्यांत इसका जो है छुपाया भी जा सकता था। बहुत सारे भाई छुपा भी देते हैं कटड़ी। ये वाली 10 महीने की है जी? 10 महीने की भाई साहब। 14/70/10 की है। HLDB का है क्या? 14/70 नहीं, सार गुआइन का है। हाँ हाँ। H56 की उसकी माँ थी, सार विलास वाला बुल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप इसके रिंकल देखो एक बार। तो नीचे से थनों का जो सिस्टम है वो दिखाते हैं, रिंकल्स वगैरह देखिए काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और एक कलर थोड़ा फीका आया है इसका। नहीं, इसकी माँ पे है, इसकी माँ का भी जो जो रूंग रूंग है ना वो। हाँ हाँ। बाल बाल चामरे है, और एक इसकी बड़ी सिस्टर है जो इसकी माँ पे है बिल्कुल। ठीक है, तो माँ खुद अपने पे ही बच्चे देती है ये भैंस। हाँ, ठीक है, ये भी बढ़िया चीज है। इसकी कॉपी है बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। ये कौन से बुल की है? ये गाँव में था भाई, एक बंदे छोटा, उसकी माँ का रिकॉर्ड था 24 किलो HLDB में। अच्छा अच्छा। अच्छा, उसके मतलब काटे तो आए हैं थोड़े डब्बे बखाने बुल के। हाँ हाँ। लेकिन अपना कटिया बहुत शानदार आई है, गांव में भी बहुत सी कटिया दूध अच्छा निकाला है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, चारों तरफ काफी दूरी पे और बहुत बढ़िया। क्या पीड़ करवा दिया इसको? नहीं भाई साहब, अभी ईट में आने वाली है, मोटे मोटे बड़ोबे दे रही है 2-4 दिन से। अच्छा अच्छा, आ जाएगी लंबाई में और ब्यूटी में, तो मतलब की माँ से भी अच्छी निकलेगी। हाँ, इससे अच्छी निकलेगी। ठीक है ठीक है। तो कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी भाई साहब 20 अगस्त को ये 2 साल की हो जाएगी पूरी। 20 अगस्त को 2 साल की हो जाएगी। तो बच्चा भी मैं काफी बार कहता हूँ कि ज्यादा छोटी उम्र में लेना नहीं चाहिए बच्चा, थोड़ी सी मैच्योर होना चाहिए पशुधन कोई भी। नहीं निकाला भाई साहब। बिल्कुल सही बात है जी। बहुत सारे भाई हमारे घर भी ये कट्टी बच्चा देगी लेकिन वो खीरी दे देगी, मेरे पीछे से ही गैपिन करवा दिया बोला ने उसको। तो अभी आगे देखिए एक और झोटी बहुत ही खूबसूरत है। इसके कितने एक दिन बाकी है भाई साहब? इसके भाई साहब 9 तारीख का ब्यांत है। 9 तारीख का ब्यांत है। तो आज कितनी डेट होगी? आज 1 है। 1 तारीख है, तो लगभग 8 दिन बाकी है। खोल के लेना इसको एक बार, 8 दिन बाकी हैं। अभी देखिए झोटी आज भी बहुत बढ़िया तैयारी में है, और भाई ने बताया HLDB हरियाणा गवर्नमेंट के 70-570 बुल से ये गैपिन है। बहुत ही सुंदर झोटी देखिए, बिल्कुल छोटे सिंह की शानदार चीज है।
तो भाई 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 जितने भी पशुधन रखा हुआ है भाई ने बहुत ही सुंदर रखा हुआ है। ये देखिए क्वालिटी दूर से ही वो कहते हैं देसी घी तो जमीन में गिरा हुआ भी दिख जाता है, तो वो सिस्टम है कि देसी घी भाई ने सारी की सारा जो पशुधन है वो बहुत ही सुंदर रखा है। ये देखिए तो इनमें कोई बेचनी तो नहीं होगी, घर ही रखनी है सारी। सब यहाँ सेल करांगे लेकिन मौका पे दूध आना चल जाएगी नहीं सब तो पिए देंदे होने भी मजा आएगा अगला नर लेंदे होने भी मैं। सही बात है। कितना दूध दिया पहले ब्यात में? पहले ब्यात में इसकी 17-18 किलो दूध दिया। 17-18 किलो दूध दिया है। देखिए क्वालिटी जोटी की बहुत ही शानदार है। अभी तो बहुत ऑर्डर बनाना इसने। ठीक है ठीक है, 8 दिन में ऐसा हो जाएगा इस। चला नहीं जाना इससे। बिल्कुल, ये मिट्टी इसी के लिए डाल रखी है क्या सभी के? परमानेंट के लिए भाई साहब, मतलब गद्दे तो थोड़े ठीक नहीं, उसमें मेहनत ज्यादा, इसमें मिट्टी अपने ये जब पशु बाहर खेलते नहीं, बाहर भी मिट्टी पड़ी है। ठीक है, थोड़ी अंदर कर दिया और साफ सफाई कर दिया, मिट्टी में ही रहती है वैसे। हां मिट्टी में, बाहर भी है अंदर भी है दोनों साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है जी। ये वाली चोटी भाई जी, ये भाई साहब ये तो मोल लेकर आए थे, अभी देना नहीं था। अच्छा, तो 1,60,000 रुपए की लेकर आए थे, अभी इसमें 10 किलो दूध होगा और ये प्रेग्नेंट हुई नहीं अभी। अच्छा, तो ताजी भी आई ली थी 160 की? हां ताजी भी आई। तो एक भैंस तो दे रही थी, एक से काम नहीं चलता ना भाई जी, बड़ा परिवार बड़ा है यार, जो अंकल जी है वो भी अपने इधर दूध ले जाए। ठीक है ठीक है, 160 की जोटी ली थी, देखिए ऊंची तगड़ी बढ़िया है, गैप भी नहीं है, इसके पीछे कटड़ा है शायद, कटड़ी है पीछे, ये देखिए 18 किलो दूध पे पीक पे गई है भाई साहब। अनुग्रह करनी पहले ना, नॉर्मल पूरा जोर लगा था भाई, जोर लगा पे गई थी, उसके बाद में 14-15 कई दिन जमा नॉर्मल दिया है, 10 किलो दूध है, 5 महीने की भी आई। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखिए ये भैंसे मैंने आज विकास भाई के यहाँ दिखाई, जिसमें से एक जोटी इनका बेचने का विचार है, और ये देखिए बड़ी भैंस जो इन्होंने ब्रीडिंग के लिए रखी है, बिल्कुल ऐसा दूर से इतनी ऊंचाई लग रही है जोटी की जैसे ऊंट खड़ा हो सामने, बहुत बढ़िया शानदार लंबाई ऊंचाई की है। तो ये जोटी आप लेना चाहते हैं? ये कटड़ी, अच्छा उसकी है जो एक नंबर 5 महीने की जो एक नंबर पे है सबसे लास्ट में। ठीक है ठीक है, ये कटड़ी उसकी है, सारी की सारी कटड़ी हो चाहे कटड़ा हो चाहे कटड़िया हो, सारी बहुत बढ़िया तैयारी में है। तो जो भाई विकास भाई से बात करना, हाँ बिल्कुल माँ की हूबहू कॉपी है जी। तो मैं बात कर रहा था, जो भी भाई भैंस लेना चाहते हैं ये जोटी, तो कोशिश रहेगी हमारी, थोड़ा टाइम लेके ही भाई को कहा है कि 2-4 दिन लग सकते हैं वीडियो में, डेट वगैरह भाई साहब ने बता दी, 9 तारीख को बच्चा देने वाली है, तो आप भाई के यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जब आप भाई के पास फोन करें तो खुद व्हाट्सएप पे वीडियो मंगवा सकते हैं, उस टाइम तक ब्याने के नजदीक भी होगी जोटी। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप भाइयों का जो इतना प्यार हमें दे रहे हैं, अच्छा पसंद कर रहे हैं वीडियो को, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।